हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एलविश यादव के रिलेटेड। तो एलविश यादव ने भी थोड़ा सा ट्रोल किया, जो बिग बॉस 17 में लव ट्रायंगल चल रहा है तीन कपल्स का, जो कि है ईशा मालविया, समर जुरैल और अभिषेक कुमार का, जहाँ इसी के रिलेटेड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला कि ईशा ने भी उनको धोखा दिया, जिसके रिलेटेड आप एक छोटी सी क्लिप देख लो। ईशा ने मुझे भी धोखा दिया गाइस। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है UK07 राइडर के रिलेटेड। तो UK07 राइडर को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जहाँ वो बिग बॉस 17 में, आपको पता होगा, तो बिग बॉस 17 में से काफ़ी सारी क्लिप्स उनकी उठा के यूज़ की जा रही है रील्स में, मीम्स में, और एक सॉन्ग ऐड किया जा रहा है सारी उम्र में जोकर बना रहा है, जो कि हार्दिक सांधू का है, जहाँ इसी पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने भी रिएक्ट किया, जहाँ ठगेश ने ट्वीट किया माई इंस्टाग्राम फीड राइट नाउ सारी उम्र में जोकर बना रहा, फुकरा इंसान ने भी उसी पे ट्वीट किया ऑल इंस्टा रील नाउ डेज, और जोकर का इमोजी यूज़ किया। तो आपका एक ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो भी आ रही है UK07 राइडर के रिलेटेड। तो वो बीबी किंग ऑफ द वीक बन चुके हैं इस हफ्ते के, तो आपका एक ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है ठगेश के रिलेटेड। ठगेश ने अपने वीडियो के थ्रू बताया कि उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, जो काफ़ी लोग गेस करने लगे कि वो बिग बॉस 17 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री करेंगे, जहाँ इसी पे ठगेश ने ट्वीट किया बड़ा प्रोजेक्ट बोला है फिर बिग बॉस कैसे हुआ। तो आपका एक ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वारे कॉफी विद करण के शो के सेकंड एपिसोड के रिलेटेड, जिसमें आपको सनी देओल और बॉबी देओल देखने को मिलेंगे, तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वारे प्रेरणा मलहान के रिलेटेड। तो प्रेरणा मलहान ने ट्वीट किया बिग बॉस 17 के रिलेटेड, करण जौहर के बाद बिग बॉस बनाए मियां बीवी के रिश्ते बिगाड़ने का रीजन हो क्या रहा है इस सीजन में, तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वारे सोनिया बंसल के रिलेटेड। सोनिया बंसल बिग बॉस 17 की पहली एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट है, जहां उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में मुनव्वर फारूकी के बारे में एक बात बताई, जहां उन्होंने बोला कि मुनव्वर फारूकी ने उनका बात करते करते एक बार हाथ पकड़ लिया था, जहां उन्होंने मुनव्वर फारूकी को बोला था कि हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, दूर से ही बात करो, जहां उन्होंने ये भी बोला कि मुनव्वर फारूकी की वो बात नहीं सुनती थी और मुनव्वर फारूकी उनसे बात नहीं करते थे, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे। जहां उनसे UK07 राइडर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि UK07 को लगता है कि मेकर्स यूट्यूबर्स को फुटेज नहीं दे रहे, तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है मैक्सटन के रिलेटेड। तो मैक्सटन ने ट्वीट किया एलविश यादव के रिलेटेड, एलविश यादव ये किन गवारों को फॉलो कर रखा है, तो उसी पे एलविश यादव ने उनको रिप्लाई किया तुम्हें अनफॉलो कर दूं फिर, तो उसके ऊपर वापस से मैक्सटन ने रिप्लाई किया, उन्होंने लिखा मैं ही कर देता हूं, तुम क्यों इतनी मेहनत करोगे, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है एलविश यादव के रिलेटेड। तो एलविश यादव थोड़ा सा गुस्सा हो गए, जो उनको रेसिस्ट अनएजुकेटेड पर्सन ऐसा सब बोला जा रहा है, और वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी एक वीडियो में एक फॉरन ब्लैक पर्सन के ऊपर थोड़ा सा मस्ती मजाक कर दिया था अपने दोस्तों के साथ, जहाँ इसी के रिलेटेड उन्होंने क्या बोला आप खुद देख लो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम इंडिया में रहते हो, इतना वोक कल्चर फॉलो मत करो, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला इधर नहीं चलता भाई, वो विदेशों का कल्चर है, इन चीजों से दूर रहो। अगर मैं जलील करता उसको उसके आगे जाके कि तू तो ये है तू वो है, उसके बाद तुम मेरे को बोलते तो भाई वो चीज मेरे को लगती कि जायज बहुत ज्यादा, कि हाँ सारे जने ब्लैक लाइव्स मैटर की चीजें मेरे सिर पे ला रहे हैं कि रेसिज्म फैला रहा है, इंडियन यूट्यूबर देख लो बाहर रेसिज्म फैला रहा, ठीक है भाई मैंने रेसिज्म फैला दिया, अब आगे का करना भाई मेरे पे कंप्लेंट करो ना, मेरी कंप्लेंट करो, ब्लैक लाइव्स मैटर में इंडियन कानून होगा मेरे पे धारा लगाओ भाई।